An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. An angry wind stirred up. Stirred up means moved something around in the air. That wind stirred up. It is like this. Okay. What did the wind stir up? It stirred up ghostly dust devils. I have shown you a picture of ghostly dust devils. Hota kya hai when wind blows angrily or very strongly, it takes dust with it, and your cloud of dust you can see a big cloud of dust you can see in front of you, and it is really ghostly. Ghostly means looking like ghosts. You'll feel that these ghostly dusty devils are coming to devour you. Aapko pura nigal jayenge, and they are really scary. तो ये कब हुआ? When as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings. ये जो Valley of the Kings है, जो कि Egyptian cemetery है, graveyard है, ancient. वहाँ पे जो resting place है, resting place किसका? King Tut का. और obviously मरने के बाद किसी भी इंसान का resting place उसका tomb होता है, उसका कॉफिन होता है, ठीक है. तो जब उसको वहाँ से निकाला गया, तब क्या हुआ? तब ये हुआ था, घोस्टली डस्ट डेविल्स दिखाई दे रहे थे. मतलब बहुत बहुत बड़ी ऐसे धूल वाली आंधी चल रही थी ऐसा. ओके, डार्क बेलीड क्लाउड्स. डार्क बेलीड दैट मीन्स यू कैन से बिग साइज्ड, ऐसे बिग आप कह सकते हैं, बड़े एकदम. तो डार्क बेलीड क्लाउड्स यानी बड़े एकदम, आप और क्या बोल सकते हैं, हाँ स्वेलिंग बोल सकते हैं. स्वेलिंग मतलब एक तरह से फूल गए हो ऐसे. क्लाउड्स हैड स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई. ऐसे क्लाउड्स स्कड अक्रॉस हो गए थे. स्कड अक्रॉस मीन्स क्विकली मूव्ड क्विकली. ओके, दीज क्लाउड्स हैड मूव्ड क्विकली अक्रॉस, ठीक है, कहाँ? तो डेजर्ट स्काई के ऊपर ये क्लाउड्स क्विकली आ गए थे. ऑल डे, पूरे दिन रहे. ओके, एंड नाउ वर वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे. और ये स्टार्स को क्या कर रहे थे? ये वेल कर रहे थे. वेल का मतलब होता है कवर कर रहे थे, ढक ले रहे थे. कहाँ ढक रहे थे? कास्केट ग्रे में. कास्केट ग्रे मीन्स ग्रे स्काई, सीधा मीनिंग है. कास्केट ग्रे का मतलब ग्रे स्काई. कास्केट ग्रे जो है वो कलर का नाम है, ठीक है, ग्रे कलर. तो स्टार्स भी अब दिखाई नहीं दे रहे थे, इतने क्लाउड्स आ चुके थे. इट वॉज 6 PM ऑन जनवरी 5, 2005. वो टाइम था 6 PM, शाम का, इवनिंग का टाइम था, और ये डेट थी. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी गिल्डेड हेड फर्स्ट इनटू A CT scanner brought here to probe the lingering medical mysteries of this little understood young ruler who died more than 3,300 years ago. The world's most famous mummy, gilded head. Gilded means made of gold. ठीक है, मैंने आपको gilded head का मैंने फोटो भेजा हुआ है, ठीक है. तो देन फर्स्ट इनटू सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज. ब्रॉट हियर टू प्रोब, प्रोब हियर मीन्स इन्वेस्टिगेट. हाँ, व्हाट? तो लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, ये जो मेडिकल मिस्ट्रीज है वो लिंगर कर रही है. लिंगरिंग का मतलब परसिस्टिंग, स्टिल कंटिन्यूइंग, जो मिस्ट्री अभी भी बरकरार है, ठीक है. उसको प्रूव करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको सिटी स्कैनर में डाला गया. किसको? तो उस मम्मी जो गिल्डेड हेड था वो, ठीक है. गिल्डेड का एक और मीनिंग है उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है. फिर
where is it? Yes, all afternoon. Wait, this is not done yet. तो ये mysteries, क्योंकि जो mysteries थी of little understood, बहुत कम लोगों ने समझी थी इस mystery को. Young ruler, किसकी mystery थी? जो young ruler था उसको बहुत ही कम लोगों ने समझा था. Who died more than 3,300 years ago. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. All afternoon, the usual line of tourists bhi aaye the wahan pe around the world, bahut alag alag jagah se aaye the, had descended means came down, okay, they came down into the cramped rock-cut tomb. Theek hai, रॉक कट मतलब पत्थर में से ही काट के टूम बनाया गया था. और वो टूम कैसा था? वो टूम था क्रैम्प्ड. क्रैम्प्ड मीन्स इट इज़ क्राउडेड, ठीक है, अनकंफर्टेबली स्मॉल था वो टूम, क्राउडेड था, और भी लोग आ गए थे ना उसमें, बहुत सारे लोग भर गए थे. एंड सम 26 फीट अंडरग्राउंड टू पे देयर रिस्पेक्ट्स. टूरिस्ट आए थे तो नीचे गए, जो कि 26 फीट नीचे था अंडरग्राउंड, टू पे देयर रिस्पेक्ट. टू पे देयर रिस्पेक्ट का मतलब टू जस्ट पे होमेज, ठीक है, कि अरे भाई इतना बड़ा राजा था कैसे मरा, एंड ही वॉज अ यंगर रूलर. दे गेज्ड एट द मुराल्स. मुराल्स मीन्स द पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स, ठीक है. द गेज्ड एट द मुराल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द बेरियल चेंबर. बेरियल चेंबर मीन्स द प्लेस, द चेंबर वेयर समबडी इज बरीड, ठीक है. बेरियल आया है किससे? बरी से. बरी करना मतलब क्या होता है? बरी करना मतलब गाड़ देना, ठीक है, दफना देना. तो जो बेरियल चैम्बर था उसके जो वॉल्स थे उस पर मुराल्स बने हुए थे, तो उसके ऊपर लोग देख रहे थे, मुराल्स को झांक रहे थे, मतलब एक स्टेयर कर रहे थे, गेज कर रहे थे. पियर्ड एट टट्स गिल्डेड फेस. टट के गिल्डेड फेस को भी पियर कर रहे थे. पियर मीन्स दे वर जस्ट लुकिंग वेरी केयरफुली, ठीक है, क्लोजली एकदम देख रहे थे, केयरफुली क्लोजली. सॉरी. देन द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. ये जो कॉफिन होता है ना, ये जो कॉफिन की साइज होती है, जो भी है, जिस तरह से भी कॉफिन होता है, उसकी जो ऊपर, यानी ऊपर का जो ढक्कन होता है, दैट इज कॉल्ड लिड, कॉफिन लिड, ठीक है, उसका जो शेप था, इट वॉज मम्मी शेप्ड, ठीक है. आई हैव शोन यू दिस इन पिक्चर इन द PDF. तो वो आप लोग, वंस अगेन यू गो थ्रू दोज पिक्चर, सो इट विल बी क्लियर टू यू, ठीक है. तो बहुत स्ट्राइकिंग फीचर थे उस मम्मी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड में. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. कुछ लोग गाइड बुक्स पढ़ रहे थे इन अ विस्पर, मीन्स इन अ वेरी लो वॉइस, धीरे धीरे पढ़ रहे थे, ओके. एंड अदर्स स्टूड साइलेंटली परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. कुछ तो बेचारे ऐसे ही खड़े थे और सोच रहे थे कि, पॉन्डरिंग मीन्स हैविंग एक्चुअली थिंकिंग डीपली और केयरफुली. पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग डीपली और केयरफुली. तो दे वर पॉन्डरिंग कि अरे इस टीन्स, इसकी मतलब ये बेचारा टीनेजर था, इसकी डेथ हो गई, अनटाइमली डेथ था, कैसे हुआ ये. और वंडरिंग विद अ शिवर. विद अ शिवर मीन्स विद अ ट्रेम्बल, कांप जाना, ठीक है. तो कांप जा रहे थे. इफ द फैरोज कर्स, ठीक है, इफ द फैरोज कर्स डेथ. वंडर कर रहे थे कि अरे ये फेरोक का कर्स क्या है. कर्स ये है, मतलब कांप जा रहे थे जब वो कर्स पढ़ रहे थे. कर्स है डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम. जिसने भी इस टट को या तूतनखामून को डिस्टर्ब किया, तो उसकी डेथ होगा, हो जाएगी, अथवा मिसफॉर्च्यून उसकी लाइफ में आ जाएगी. ये फेरोज कर्स, इट इज़ नोन एज फेरोज कर्स. एंड दे वर रियली वंडरिंग विद अ शिवर. कांपते हुए सोच रहे थे कि अरे क्या ऐसा हो सकता है, वॉज रियली ट्रू. वो सोच रहे थे, वंडर कर रहे थे. द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन.
because of what Carter did in 1920s, said Zahi Hawass, Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. Zahi Hawass नाम का जो आदमी था, he was the Secretary General of Egypt's Supreme Council of Antiquities. ये antiquities क्या है? तो antiquities are the objects from ancient time. Okay, ancient time के जो भी objects अभी तक लोगों ने संभाल के रखे हैं, because they are unique and because they are precious and because they can actually give a clue of, of the time जिस टाइम ये एग्जिस्ट करते थे या उस आसपास की लाइफ कैसी थी, तो ये एंटीक्विटीज़ उसमें हेल्प करते हैं. तो ये लोग अभी भी संभाल कर रखते हैं और गवर्नमेंट काफ़ी ध्यान रखती है इसका. तो वहाँ भी ऐसी कमिटी है और जो भी है काउंसिल है. तो ज़ही आवाज़ उसका सेक्रेटरी जनरल है एंड ही सेड कि द ममी इज़ इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन 1920s में. कार्टर ने इस मम्मी के साथ कुछ छेड़खानी की थी, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बहुत ही बैड कंडीशन में है. ओके, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर लॉन्ग फर्स्ट लुक. ज़ही हवास फर्स्ट ऑफ ऑल डिड वॉट, ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर हिज फर्स्ट लुक. और फिर जाकर बोला इसने ये सेंटेंस कि कार्टर ने तो 1920s में कुछ मतलब इसके साथ छेड़खानी की है. ओके, कार्टर, हार्वर्ड कार्टर, दैट इज वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग. 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था टट के टूम को. और आफ्टर, और ये कब, ये एक्चुअली उसी, he was searching, he had been searching for that tomb for many years, but all his searching went in vain. ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था. futile का मतलब pointless, कोई फ़ायदा नहीं हुआ था. पहले के सालों में जब इसने searching start की थी तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जाकर 1922 में, मैं आपको अगर 1922 में इसको success मिला, पर मैं आपको बता दूँ 1907 से he was in search of सच काइंड ऑफ मम्मी एंड ऑल. ठीक है, तो कितने साल लग गए उसको सर्च करते करते करते, और आखिर में 1922 में उसको मिल गया. इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रैनसैक्ड इन एंटीक्विटी. इसके जो कंटेंट्स हैं, कंटेंट का मतलब जो टूम मिला, टूम इज अ स्मॉल प्लेस. ठीक है, जैसे टूम क्या होती है, कब्र होती है. तो कब्र तो आपने देखा है, छोटी कब्र होती है, उसमें कॉफिन जो भी कुछ होता है, लोग थोड़ा सा स्पेस होता है, फिर उसमें कॉफिन डालते हैं और उस कब्र के ऊपर जो स्टोन या कोई भी अलग तरीके से टूम बना देते हैं. तो वहाँ पर जो टूम थी वो थोड़ी बड़ी साइज़ की थी, उसमें लोग खड़े रह सकते थे, वो रूम टाइप का था, स्पेस था उसमें. ठीक है, तो उसमें जो भी कंटेंट मिले ना, कंटेंट का मतलब जो भी कुछ मिला, बिलोंगिंग्स, बहुत सारी चीज़ें मिली. मैंने आपको पिक्चर में शो किया हुआ है, उस इमेज में जो PDF में है, उसमें मैंने आपको बताया था जो रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है उसमें वो सब चीज़ें उसके कंटेंट हैं इस टट की टूम के. दो हेस्टिली रैनसैक्ड, अब ये कंटेंट को अगर हेस्टिली मतलब क्विक, एक तरह से आप बोल सकते हैं बहुत फास्ट रैनसैक्ड किया गया है. ठीक है, रैनसैक्ड का मतलब सर्च किया गया. एंड हाउ डू यू सर्च, सी रैनसैक्ड में और सर्च में एक ही डिफरेंस है, व्हेन यू सर्च, सिंपली व्हेन यू सर्च you may not be in hurry, okay, but when you ransack you are in a hurry. Suppose there are lot of things piled up or just put together and you want one of them but you don't see that, so you'll have to just rummage. aur aapko aise bikherne padenge cheeze aur aapko wo cheez jaldi chahiye to you will just do, you can imagine ki aapko 10 cheezon ke beech mein ek cheez chahiye और उसको आप पहले ढूंढेंगे. ठीक है, और आप ये नहीं देखेंगे कि वो जो बाकी के 9 चीज़ें हैं वो कैसे बिखर गई या क्या हुआ. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड रैनसैक्ड, सर्च, लेकिन हेस्टिली सर्च. ठीक है, बहुत ही क्विकली सर्च किया गया इन एंटीक्विटी. वो सरप्राइजिंगली कम्प्लीट. वो कंटेंट्स क्या थे, सरप्राइजिंगली कम्प्लीट थे. मतलब भले बहुत रैनसैक्ड हुआ, मतलब सर्चिंग बहुत ही जल्दी हुई, बहुत ही हेस्टीली हुई, फास्ट तरीके से हुई, पर कंटेंट सारे सरप्राइजिंगली कंप्लीट थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था.
दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, मैंने आपको बताया था, एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फैरोज लेजेंड. फैरोज लेजेंड, लेजेंड मीन्स स्टोरी, ये उसके पार्ट बन गए स्टोरी के. अगर ये सब नहीं मिले होते तो फैरो के की स्टोरी के बारे में और ज़्यादा नहीं पता चलता. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, क्या क्या मिले? स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स, स्टनिंग यू अंडरस्टैंड, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव. ओके, आर्टिफैक्ट्स मीन्स मैन मेड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल इंटरेस्ट. ओके, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, वो किस में थे? गोल्ड के बने हुए थे. देयर इटर्नल ब्रिलियंस, और उस गोल्ड में से जो ब्रिलियंस, ये जो शाइन आ रही थी वो इटर्नल थी. मतलब इटर्नल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3300 साल पहले ये चीज़ें बनी थी और आज भी उतनी शाइन कर रही है. दैट मीन्स इटर्नल है, आगे भी शाइन करेगी. इटर्नल, अमर है एक सा. ओके, मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन. ये सब चीज़ें क्या, इनका मतलब ये था कि वो गारंटी दे रही थी कि रिसरेक्शन तो होगा. रिसरेक्शन का मतलब एक फिर से, एक्चुअली जो पुरानी चीज़ें, एक तो पुरानी चीज़ें जब नई कर दी जाती हैं, या तो पुराने ज़माने की चीज़ जब नए ढंग से फिर से यूज़ में आने लगती है तो उसको रिसरेक्शन बोलते हैं. दूसरा, अगर किसी की डेथ के बाद वो फिर से अलाइव हो जाता है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिसरेक्शन. ठीक है, पुनर्जन्म. ठीक है, री इनकारनेशन भी बोलते हैं पुनर्जन्म को. ठीक है, और रिसरेक्शन उसी का सिमिलर. कॉज्ड अ सेंसेशन, कॉज्ड अ सेंसेशन. सेंसेशन मीन्स एक्साइटमेंट. ओके, इंटरेस्ट और बढ़ा दी एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी. मतलब जो कंटेंट मिले ना उसकी वजह से और सेंसेशन बढ़ गया, क्योंकि उनकी जो ब्रिलियंस है गोल्ड के बने हुए, तो लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई कि और जाने इसके बारे में. एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, आज भी सबसे ज़्यादा अटेंशन उन्हीं चीज़ों को देख कर होता है. बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरी थिंग, एवरी डे थिंग्स. टट को भी बरी किया गया था तो एवरी डे थिंग्स से, मतलब रोज़ जो वो यूज़ करता था वो सब चीज़ों से. ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ, उसको हो सकता है आफ्टर लाइफ चाहिए हो, मतलब ये उसकी थिंकिंग होगी और बाकी के लोगों की, तो इसलिए लोगों ने वो सब चीज़ें रख दी जो वो रोज़ यूज़ करता था, जैसे बोर्ड गेम्स, मैंने इसका पिक्चर बताया, अ ब्रॉन्ज रेजर, लिनन अंडर गारमेंट्स, केसेज ऑफ फूड एंड वाइन, ये सब चीज़ें थी वहाँ पे. आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फैरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, पहले तो काफ़ी महीने लग गए उसकी रिकॉर्ड करने में. रिकॉर्डिंग का मतलब पूरी डिटेल रिकॉर्ड करने में, हाँ, किसकी? तो फैरो की फ्यूनररी ट्रेजर्स की. फैरो मतलब रूलर, रूलर आपको पता ही है, और फ्यूनररी ट्रेजर का मतलब वो ट्रेजर जो फ्यूनरल के टाइम रखे गए थे. ये फ्रेज आपको कभी डिक्शनरी में जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल सकता है क्योंकि अब इसका लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ्रेज़ क्या है, एक तरह से यूज़ किया गया, बनाया गया है, तो इट हैपन्स नेचुरली, इट हैपन्स. ओके, दैट्स वाई देर आर मैनी फ्रेजेज, बट यू कैन मार्क देम अप, इट्स नॉट पॉसिबल. सम ऑफ द फ्रेजेज आर एक्चुअली यूज एट द से, आई मीन एक्यूरेटली एंड विद अ प्रॉपर मीनिंग, बट दीज काइंड ऑफ फ्रेजेज एक्सप्रेशंस कैन ओनली बी अंडरस्टूड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. तो अब आपको समझ में आया होगा फ्यूनररी ट्रेजर्स किसको बोलते हैं, फ्यूनरल के टाइम जो ट्रेजर्स रखे गए, और ऐसा ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता, ये अनयूजुअल है. ऐसे कौन से सिविलाइजेशन में आपने देखा है जो फ्यूनरल के टाइम कोई ट्रेजर रखते हैं? हाँ, छोटी मोटी चीज़ें तो उसका एग्जाम्पल मैंने सुना है, प्ले थिंग्स होती है, अगर छोटा बच्चा उसकी डेथ हो जाए, या तो कोई बहुत ही प्यारी चीज़ होती तो रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो ट्रेजर रखे गए थे. दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल. कार्टर बिगैन रिकॉर्ड करने के बाद, कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. वो जो कॉफिन थी ना, कॉफिन थ्री नेस्टेड थी. थ्री नेस्टेड मतलब उसमें तीन लेयर थे. ठीक है, एक लेयर हटाया, फिर दूसरा लेयर हटाया, फिर तीसरा लेयर हटाया, ऐसे था वो. ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जब ओपन किया, ही फाउंड अ श्राउड. पहले कॉफिन को जब ओपन किया तो ही फाउंड अ श्राउड. श्राउड का मतलब कफन. ओके, अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव ऑयल्स. ठीक है, पीलो के माला से ऑलिव, सॉरी ऑयल मैंने बोल दिया, सॉरी, ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, ये सब उस पर अडॉर्न किए हुए थे, मतलब डेकोरेट किए गए थे उस श्राउड को, उस कफन को, इन सब चीज़ों से डेकोरेट किया गया था. और क्या क्या था? द फेडेड एविडेंस ऑफ, और कुछ नहीं, लेकिन दे वर द फेडेड एविडेंसेस. फेडेड का मतलब फेंट हो चुके थे, पूरी तरह से अपने असली फॉर्म में नहीं थे ये सब चीज़ें, बट फेडेड हो चुके थे. ठीक है, तो फेडेड
एविडेंसेस ऑफ ए बेरियल, मतलब बेरियल इन मार्च एंड अप्रैल, मतलब मार्च या अप्रैल के मंथ में ही ये बरी किया गया होगा इसको, ये उसका एविडेंस दे रहे थे। तो कैसे मालूम पड़ा कि मार्च या अप्रैल में, क्योंकि ये जो लोटस है, कॉर्न फ्लावर्स हैं, वाइल्ड सेलरी है, ऑलिव लीव्स हैं, विलो है, ये सब ज़्यादातर मार्च और अप्रैल के महीने में ही ये आपको देखने को मिलते हैं। एंड दैट्स वाई दे कैन गेस कि हाँ ये उन्हीं महीनों की बात है जब उसको बरी किया हो गया होगा। वेन ही फाइनली रीच द ममी दो ही रैन इन टू ट्रबल, अब एक कॉफिन हटाया, दूसरा कॉफिन हटाया, फिर तीसरा कॉफिन अंदर का हटाया, उसके बाद ही फाइनली रीच द ममी, देन ही रैन इन टू ट्रबल, अब जाके असली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हुई? द रिचुअल रेजिन हैड हार्डन, उसमें रेजिन यूज़ किए जाते हैं, रिचुअल, रिचुअल का मतलब रिलीजियस राइट्स वाले, मतलब कुछ मंत्र फूक फूक के, मंत्र कुछ जाप करके रेजिन्स उसमें डाले जाते हैं। रेजिन्स मतलब गोंद होती है, ठीक है, राल भी बोलते हैं उसको, स्टिकी सब्सटेंस होता है ये, बहुत स्टिकी, इसका काफ़ी कंस्ट्रक्शन में भी पहले यूज़ करते थे लोग, तो ये गोंद होती है, और जब हार्डन हो जाती है ना, तब तो समझ लो कि सीमेंट जैसा काम करती है। तो द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन सीमेंटिंग टट, सीमेंटिंग हियर मींस जॉइनिंग टट, टट को जॉइन कर दिया था, एकदम चिपका दिया था टू द बॉटम, बॉटम से चिपका दिया था ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसकी जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन थी ना, उसके बॉटम से टट क्या चिपक गया था, और उसका रीज़न ये था कि ये जो रिचुअल रेजिन्स है वो हार्डन हो चुके थे। तो सोचो वो रेजिन 3,300 साल पहले डाला गया था, और आज तक वो रेजिन जो भी डाले गए थे वो हार्डन हो चुके हैं, और वो अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन्होंने, प्रॉपर्टीज़ का मतलब रेजिन की जो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, वो लूज़ नहीं हुई है, उसने और पक्का कर दिया है। तो इससे मालूम पड़ता है रेजिन कब तक सर्वाइव कर सकते हैं। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर, व्हाट वाज टू बी डन, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, अब उनको मूव करना था, उसकी बॉडी को मूव करना था, तो लेजिटिमेट फोर्स, जितनी प्रॉपर फोर्स की ज़रूरत थी, लेजिटिमेट मतलब प्रॉपर, प्रॉपर फोर्स की ज़रूरत थी उतना लगा के देख लिया, लेकिन वो बॉडी हिली भी नहीं, वो रेजिन जो है वो हटे ही नहीं, ठीक है। तो कार्टर ने कहा कि व्हाट वाज टू बी डन, अब क्या करें, तो उसको कुछ दूसरा, यही ट्रबल है उसके लिए, अब वो बॉडी उसमें से निकल ही नहीं रही है, क्योंकि उसको उस पर थोड़ा रिसर्च करना था। ओके,